ओके okay. आपको शादी भी कभी कभी मेच्योर कर सकती सकते <laughs> <laughs> ये किसी ने आपको कभी पूछा नहीं है एक पॉडकास्ट पे ये जानना चाहूंगा नहीं डेफिनेटली मेच्योर कर देती है क्योंकि लाइफ uh, पूरी चेंज हो जाती है लोग मेरे ख्याल से लाइक सेवेंटी परसेंट लाइफ चेंज हो जाती है आप फिर वो वैसे नहीं रहते यार जैसे आप पहले होते हो आप गायर टू तो टेक आप, तो टेक केयर केयर ऑफ ऑफ टू टू फैमिलीज एंड चीज़ें होती है मतलब इट्स अ नाइस लर्निंग लाइक यू नो हेल्प करता है आपको मेच्योर बनाता है काफी मैंटली आपको स्ट्रॉन्ग करता है अब दोनों तो कैसे मिले लॉकडाउन जब हुआ था ना तो हैव नथिंग टू डू मेरे को स्टार्टिंग से था मेरे को डांस uh, सीखना है मतलब एटलीस्ट चार पांच स्टेप आते हो कि चल जाए क्योंकि बिना अगर करे तो हम भी कहते हैं यार इसको डांस तो आते नहीं क्या नाच रही है तो ऐसे लोग हमारे बारे में बात करते हैं तो फिर मैंने इनको डीएम किया था मैं कहा क्योंकि इन, uh, इनका टिकटॉक पे और रील्स uh, जो बनते हैं तो मैंने डांस इनका देखा था तो वी हैव सो मेनी कॉमन फ्रेंड्स तो फिर मैंने इनको मैसेज किया था कि आप क्लासेस लेते हैं नहीं क्योंकि मैं लॉकडाउन में आई हैव नथिंग टू डू मैं पबजी खेल लेता था मैं फैमिली या डिट्टो बना लेता था उसके बाद न्यू तो फिर मैंने मैसेज किया तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लासेस uh, तो देना स्टार्ट थिंक हमने कुछ बात ही नहीं किया सिर्फ हमने उसके बारे में बात किया Dance Dance बारे के बारे में, बारे में के बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, किया, कुछ नो फ्लर्टिंग शायद okay. तो यही यही गेम है कि फ्रेंड फर्स्ट हम फ्रेंड भी नहीं थे हम फ्रेंड भी नहीं थे मतलब नथिंग जस्ट बात हो रहा है मैंने वीडियो भेजा मैंने डांस किया करके कल इतने बजे okay. मैं रात को बैठा था तो जस्ट मैसेज आई समथिंग मैं कहता लॉकडाउन चल रहा है so so अब एक होता है ना कि अब दो से जानते चलो मैं पूछ लूँ यार वो करते करते मैंने पूछ लिया तो वहाँ से फिर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बात वहाँ से फिर बात स्टार्ट हुई एंड देन आई लाइक हर वाइब्स लाइक वन है जैसे मैं हूँ वैसे ये एंड uh, इनको ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने uh, पाँच छः घंटा डांस नहीं किया दो घंटा जिम नहीं किया फिर अपना किक बॉक्सिंग नहीं किया तो इनका दिन खत्म ही नहीं होता अगर वो चीज़ इनके दिन में नहीं होती तो मेरे को पता है पूरा ये चिड़चिड़े रहने वाले हैं तो फिर वहाँ से फिर मैंने हुआ डैड कि ऐसे ऐसे हैं तो उनको भी लगा रहे अच्छा तो फिर करके तो फिर मैंने इनको सीधा ये बोला था डेट यू मैंने सीधा ये बोला थार

ज लाइक पीपल हु आर पैशनट अबाउट देयर पैशन हाँ तो ही इज वेरी मतलब बहुत हार्ड वर्किंग एंड मुझे तो पता भी नहीं था बिकॉज मैं पहले से क्रिकेट तो देखती थी एंड आई लव स्पोर्ट्स एंड uh, मैंने जब क्रिकेट देखना बंद किया तब उन्होंने आई थिंक इंडिया के लिए डेब्यू किया <laughs> तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात थी बिकॉज uh, जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है तो आई हैड नो क्लू हु यूज ही जहल वॉज बींग वेरी ऑनेस्ट तो मैंने कहा ठीक है यू नो सिंसियरली अगर कोई स्टूडेंट लर्न करना चाहता है ना वेरी प्रोफेशनल दैट वे तो मुझे अच्छा लगा और ये सिंसियरली डांस भी कर रहे थे अच्छे <laughs> से मतलब अगर मैं होमवर्क भी देती थी कि ये ये है स्टेप्स कर लेना तो प्रैक्टिस भी चल रही थी उनकी सो यूज टू सेंड वीडियो

You know, I, I feel everyone, बहुत ईजी हो गया है सबके लिए ऑप्शन एक्सप्लोर करना लाइफ में सोशली uh, uh, लोगों से और मिलना लाइक देर इज नो लिमिट मिलना है और लोगों से मिलना है मुझे शादी करनी है रिमेंबर <laughs> <laughs> <was> like, yeah. <laughs> मैंने अपनी मॉम को जाके बोला मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे शादी करनी है या कोई प्रेशर था लव्ड वर्किंग

न यू गिव मी वन सैटरडे आई विज लाइक ओ एंड देन आई टोल्ड माई मॉम की ऐसा है तो मेरी मोम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था नोइंग मी गई आर स्टूडेंट बिकॉज आई नवर यूज टू लाइक टॉक टू माई स्टूडेंट्स यू नो वर्क इज वर्क बट देन जिस हिसाब से उन्होंने बात किया मुझसे द वे ही अप्रोच एवरीथिंग इज वेरी डिसेंट यू डोंट गेट टू सी दैट

आई नो ईज़ नॉट लाइक एक्सप्रेसिव नहीं है इतने बट uh, बहुत केयरिंग है अपने लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड वो हम दोनों की एक कॉमन चीज़ है